जलवा है हमारा। हाथ पकड़ लो। अरे 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 माँ कसम। अरे इतना मजे में। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थ्रॉटल जॉकी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अपने साथ में अमन है और विच इज ओनली वन इन इंडिया ब्लैक क्रोम R15 V3 और यहाँ पे रेनबो क्रोम R15 V3 अपनी एस। और अभी अपन जा रहे हैं फटाफट से नोवा को मिलने, बिकॉज आज हमारा प्लान बना है सैटरडे, तो थोड़ा बैंटा साड़ी घूमने का। लेट्स गो। नोवा को भी फ़ोन करके बुला लेता हूँ मैं थोड़ी देर में। बाकी सब मस्त एकदम। हाँ जाने का, डायरेक्ट निकलेंगे अभी हाईवे। हाईवे क्या हुआ, कुछ काम है क्या? अच्छा रुकेंगे ना। तो बस फाइनली अभी बिल्डिंग से निकल चुके हैं और अभी हम जाने वाले हैं डायरेक्ट डायरेक्टली जाएंगे अभी नोवा के एरिया में, फिर उनमें नोवा मिलेगा और नोवा के मिलने के बाद में अपन जाएंगे सीधा बैंड्रा। और हो सकता है कि अपने दो और दोस्त आए, नए दोस्त हैं, मतलब हम लोग 26 की राइड पे मिले फर्स्ट टाइम, तो देखते हैं। वन इज अंकित एंड आदिल, लेट्स सी। वो बोल तो रहे आने का, पर वो लोग अभी पहले उन लोगों मेरे रोड में कुछ काम है टोटल बॉडी का, वो सब करके फिर आएंगे। तो मतलब मेरे को लग रहा है कि नहीं आ पाएंगे, बट स्टिल लेट्स सी। अगर तो गाइस फाइनली आ गए अभी हम हाईवे पे। और नोवा का भी अभी जस्ट कॉल आया, वो भी रेडी है, कब से बेचारा वेट कर रहा है। बाकी ना को बहुत जल्दी अभी चेंज अपना चेंज करवाना पड़ेगा, बिकॉज चेन ना बहुत ज़्यादा लूज हो गया और मेरा जस्ट पॉकेट खराब हो गया। एक साल हो गया डलवा के, आई गेस पिछले फेब या मार्च में मैंने डलवाया था। नहीं नहीं जैन में डलवाया था यार मैंने, राइट हैंड ऐसा नीचे पूरा घुसा हुआ। चार्ज अमन का नहीं क्या? इस बार ना मेरे को सर्विस, अभी सर्विस का ओवरड्यू हो गया बाइक का, अभी 1 तारीख को सर्विस में दे दूंगा। सैलरी आएगी वैसे सीधा बाइक जाएगी सर्विस में, और सर्विस कराने के साथ में इसमें क्या बोलते हैं चेंज पॉकेट और ये भी चेंज करवा दूंगा कौन सेट। रॉन्ग वे वाला फील आ रहा है इधर तो, हालांकि अपन अपने जगह पे सही है, ये लोग रॉन्ग वे आ रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है शाम के टाइम में, बट अपने ऐसा लग रहा है कि अपन रॉन्ग वे जा रहे हैं। अमन के लिए रुकना पड़ेगा। अमन राइट से आ गया, सॉरी अमन लेफ्ट से आ गया, तो अपने को भी राइट से निकल जाते अपन। हल्का सा भी भगा देना तो मजा ही अलग आ जाती है। सोच रहा था भगाने का नहीं है, आराम से सिटी राइड लेंगे, लेकिन हाथ में जब थ्रॉटल ऐसे पकड़ते ना तो घुमाने का मन कर ही जाता है, और बाद में ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो अपना माइलेज गिरा देते हैं बाइक का। वरना ये बाइक मेरे को 63 का एवरेज भी दी है, पर ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं ना रास्ते में तो फिर क्या हो जाता है कि
माइलेज सीधा 30-35 ज़्यादा से ज़्यादा 40, बस उसके बीच में ही खेलते रह जाते अपन। पहले हम इनके साथ में खेलते हैं, फिर माइलेज हमारे साथ में खेलता है। ओ भाई तो वन साइड चार्ज हो गया ना भाई, सीधा ब्रिज पार ही कर दिया उन्होंने तो। कितना आगे जाएंगे, लो आके भी इधर ही आए। नोवा ही रहेगा शायद। क्या हो गया, क्या हो गया दीपक कलाल के? अरे ये क्या था भाई? अरे नहीं यार, क्या ही रिएक्शन था, क्या ही रिएक्शन। शिट यार, क्यों लेफ्ट में चले गए लोग? आने चाहिए थे हाईवे पे, मजा आता था। ये अमन बहुत आगे निकल गया लग रहा है। नहीं नहीं है, पीछे ही है। अच्छा रुक गया होगा ना ये अपने लिए अभी। इधर ना भाई आओगे ना कावासाकी के शोरूम के बाद में, इधर स्लो हो जाना बिकॉज ये बहुत बेकार रास्ता है। इनफैक्ट मैंने तो एक बंदे को ऊपर से नीचे गिरते हुए तक देखा है। तो इसके लिए मेरे भाई बंधुओं, अमन किधर गया भाई? अभी नोवा का कॉल आया था वापस और बोला कि वो घर से निकल गया ऑलमोस्ट, बस आ जाएगा फटाक से यहाँ पे। अभी नोवा भी आ गया है और अभी अपन निकल गए बैंड्रा के लिए, कार्टस के लिए। सो लेट्स गो फटाफट भाई। जो बैक फायर गिर रहे हैं ना, पार्ट फुट, मजा आ जा रही एकदम। इधर रहेगा नोवा। बाकी इस बाइक की जो रोड प्रेजेंस है ना भाई, वो तो डिफाइन। ओ हो, ऊपर से देखो प्लेन जा रहा है, क्या बात है। हाँ मैं ये बोल रहा था, इस बाइक की जो रोड प्रेजेंस है ना, वो डिफाइन करने जैसी नहीं है भाई, नेक्स्ट लेवल। और मेन तो ना लड़कियों को ये पसंद आता है, उसका रीजन भी है। तो इसमें पिंक और ब्लू कलर है, दोनों में से कोई ना कोई कलर तो 90% ऑफ द गर्ल्स का फेवरेट रहता है। बाकी कुछ होती है जो थोड़ी एस्थेटिक के लोग होते हैं ना, एस्थेटिक के सी बोलना नहीं चाहूंगा मैं खुदे। ओहो, क्या ही प्यारा सनसेट दिख रहा है ना यहाँ से, बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा। बाकी तो स्ट्रीट बर्नर बनी फिर रही है दीदी जी। अरे इतना मजे में ओ भाई ये देखो कि कैमरा देख के जानबूझ के कर रहे। अरे 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 ओ भाई अरे 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 उधर से नोवा भी कंटेंट उठा रहा है और ये भाई भी बीच में आ गए, पता नहीं इनका क्या है क्या नहीं। शाबा बस, अभी ज्यादा की ज्यादा कोई कंटेंट को ना मिल्क नहीं करने का, जितना मिल गया उतना ले लो और निकल लो, दूसरों को भी उठाने दो वरना कोई कोई तो थे भाई कंटेंट दिखा तो छोड़ते ही नहीं है। अब कंटेंट ही खुद सामने से झुक के खड़ा हो तो हम इतने भी शरीफ तो नहीं है कि कुछ ना करें अरे 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 ये क्या है भाई, ये भाई मैं मेरे को भी जाना है, ये सस्ता नशा है क्या ये?
हाथ पकड़ लो दीदी, हाथ पकड़ लो। अरे 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 अरे, अरे माँ कसम, बाय बाय बाय। दीदी तो फुल फायर है। दीदी को तो अभी दिखी ना। अरे भाई तू, हाल लग रहा है भाई ने रोड को अपने नेशनल हाईवे को टिंडर समझ लिया, पीछा ही नहीं छोड़ रहा ना दीदी का। जल्दी मत मारो दीदी खुद को। दीदी जा रही है। दीदी तुझे तुसी कंटेंट हो, तुसी ना जाओ भाई। वो एक्सेस वाला तो उसके पीछे ही चले गए। ओए होए होए, वैसे उसको जाना भी वो साइड होगा, बिकॉज MH01 नंबर था, तो आई गेस फोर्थ साइड का नंबर होगा। लेकिन बाय, कतलेआम है, कतलेआम खतरनाक सीन था ये तो। और यहाँ से प्यारा सा एकदम वर्ली सीफेस का, सॉरी वर्ली सीलिंग का व्यू। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं माउंट मैरी चर्च के पास। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। अच्छा आज सैटरडे है ना, आज तो ट्रैफिक तो होना ही है। नहीं यार इतना ज्यादा नहीं है। ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे कुछ तो चल रहा है यहाँ पे अंदर, पता नहीं। जाएंगे जाके की लेस करवाते तीनों की बाइक का, एंड देन अपन जाते हैं बैंड स्टैंड होते हुए काटस, फिर उनमें उधर ही चिल करेंगे। आज शाम के टाइम में भी देख लो बैंड स्टैंड का, ये माउंट मैरी चर्च कैसा दिखता है, बिकॉज हमने यूजुअली तो नाइट में यहाँ पे आके वीडियोस वगैरह बनाए। आज शाम के टाइम में भी आ ही गए फाइनली। अब यहाँ पे आके की ब्लेस करवा लेते अपना, प्रे करते और फिर चलते आगे। तो अभी माउंट मैरी चर्च से तो निकल गए। नोवा का थोड़ा झगड़ा हो गया था एक वैगनर वाले कैब वाले के साथ में, पर वो बाद में पता नहीं किधर गया। अगर आपको पूरा झगड़ा देखना है तो नोवा के चैनल पर जाके आप देख सकते हो। नोवा ब्लॉग सर्च करोगे तो भाई का चैनल सबसे ऊपर। शाबा भाई, क्या ही व्यू आ रहा है यहाँ से, सामने मस्त सी, मस्त सी सी के बोले। यहाँ पे ना शाम को टाइम पे आने का फायदा ये, रिएक्शन वगैरह बहुत अच्छे मिलते, मानो लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, शाम में हो चाहे रात में हो। अपनी बाइक तो एनी टाइम चमकती है वैसे भी। पब्लिक रिएक्शन, सल्लू भाई के घर में, घर के बाहर फटे फैंस खड़े। तो आज फाइनली पहुंच गए अभी हम लोग काटर्स, काटर रोड, बैंड्रा वाला, नॉट बोरीवली वाला। और यहाँ पे ये क्या चल रहा है, ये क्या है भाई, क्लोजअप लेने का है क्या, क्लोजअप लेने का है। उन्होंने क्लोजअप ले लिया तो थोड़ा गलत हो जाएगा ना। तो एक्चुअली जो गेम वगैरह होते हैं तो वो यहाँ पे ये कर रहे थे अपना कैटवॉक टाइप का। रिस्पेक्ट टू ऑल कम्युनिटी। फाट फूट आवाज आना चाहिए यार, मजा आती है। तो फुल होटल तो बिट छोड़ो, और टक 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 कर आवाज आती है ना, ओह हो हो, क्या ही मजा बन देती है वो आवाज। किधर भी लगाएंगे लेकिन ऐसा नहीं लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे, ऐसा पूरा जगह ऑक्यूपाई करेंगे, वो परवड़ीज है। यू टर्न तो मार के आते आगे से बच्ची, इधर ही किधर रुकते हैं तो बोलता हूँ, कंटेंट लग रहा है मेरे को अच्छा खासा। किधर आगे फिर हमें दिखेगी नहीं, इतने सारे जोकर कहाँ से आ गए बेंच। इधर रुकना तेरे को वक्त लग रहा है क्या, चल फिर जाएंगे अपन अपनी जगह पे।
तो अभी इधर रुक तो गए हम लोग, यहाँ पे थोड़ी देर चिल करेंगे, उसके बाद में देखते हैं क्या प्लान बनता है।